जिसे हम एस्ट्रल यात्रा कह रहे हैं, वो बस अपने ईथरी शरीर को यहां वहां घूमने देना है। ऐसा करने के लिए बहुत साधना जरूरी है। प्राण शरीर बाहर निकालकर वापस डालना आसान है, ईथरी शरीर के लिए बहुत साधना चाहिए। एस्ट्रल यात्रा क्या होती है? कहते हैं कि बस आप लेट सकते हैं, यानी सभी नहीं पर जिन्हें इसका अनुभव होता है वे शरीर से बाहर निकलकर कुछ समय बाहर रहते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग, मैं जानता हूं कि यहां कई चीजें हो रही हैं, अमेरिका में सभी एस्ट्रल यात्राएं कर रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम है। ओके। लोग लेट कर कल्पना करते हैं कि वो यहां वहां उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से जब हर तरह के लोग ऐसी चीजें करने लगते हैं तब यह मजाक बन जाता है। एस्ट्रल इसे कहते हैं। देखिए, पांच प्रकार के शरीर हैं, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, ईथरी शरीर और आनंद शरीर। ये शरीर के पांच आयाम हैं। We are referring to everything as body in yoga. हम योग में हर चीज को शरीर कहते हैं ताकि आप इसे एक भौतिक इकाई के रूप में समझ सकें। हालांकि आखिरी दो भौतिक नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें शरीर कहते हैं क्योंकि योग एक तरीका है, न कि फिलॉसफी। योग फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरीका है, यानी कुछ चीजों का उपयोग करने के लिए हमें एक तरीके का इस्तेमाल करना है। एस्ट्रल शरीर बाहर आने का मतलब है भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर और आनंद शरीर को यहीं रखकर सिर्फ ईथरी शरीर को चारों तरफ घूमने देना। यानी आप यहां अपने काम कर सकते हैं क्योंकि आपका भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर बरकरार है, बस ईथरी शरीर कहीं और है। ये एक तरह की महारत है, ये मानसिक स्तर पर नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए जबरदस्त साधना करनी जरूरी है। ईथरी शरीर की तुलना में प्राणिक शरीर भौतिक है, इसकी उपस्थिति ज्यादा भौतिक है, ये ऊर्जा है पर एक भौतिक ऊर्जा है। ईथरी शरीर में बीच की ऊर्जा होती है, ना तो भौतिक ना उससे परे, बल्कि बीच की स्थिति। आनंदमय शरीर भौतिक से बिल्कुल परे है। तो प्राण शरीर बाहर निकालकर वापस डालना आसान है और वो ज्यादा बड़ा अनुभव होता है क्योंकि आपका एक भौतिक हिस्सा बाहर जाकर वापस आता है। ईथरी शरीर के लिए ज्यादा साधना जरूरी है क्योंकि वो आपके अनुभव में भी नहीं है। उसे आप तभी छू सकते हैं जब आप अपने अंदर साधना और तीव्रता के एक स्तर पर हों। पर हर गली नुक्कड़ पर आजकल एस्ट्रल यात्रा हो रही है, वो सिर्फ भ्रम है।